अब एक चीज यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं, ये XJL से ऊपर है या नीचे है? ये आप देख रहे हो जो शेप, ये XJ50 में ही मिलती है, XJL नॉर्मल जो आती है उसमें नहीं मिलेगी। ओके, सेडान कार्स में बहुत कम होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिले, यूजुअली हमें SUVs में मिलता है, तो इसमें भी वी आर गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। 19 inches का उसका अलॉय व्हील्स है, तो काफी अच्छी ग्रिप रहती है इसकी जब ये सड़क पे चलती है, तो आपको ड्राइव इसलिए और ज्यादा अच्छी मिलती है। नमन, पीछे से मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि जो लग्जरी आप चाहते हैं वो इसके अंदर ना हो। बिल्कुल, सारी चीजें मिलती हैं इसमें। क्वालिटी की अगर बात करें डैशबोर्ड की, या फिर अगर हम साइड की क्वालिटी की बात करें, इंटीरियर की बात करें, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है इसकी। वो तेरा बोलाओ, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, तो बी एम है। क्या जो नए व्यूअर्स हैं उनको लग रहा है ये नई कार है? This is Irfan and welcome to My Country Married. आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country Married के एक brand new video में। आज का जो video है ये dedicated है Jaguar lovers को, और आज हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही शानदार कार जो कि आपके सामने है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, My Country Married पे अभी तक मैंने ये गाड़ी फीचर नहीं करी है। अब आप कहोगे इरफान भाई ये कैसी बात आप कर रहे हो, आपने Jaguar XJL तो बहुत बार दिखाई है, तो आप भी खा गए ना धोखा इसको देख के। ये जैगुआर XJL नहीं है, आज पहली बार हम लोग आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम ऑटोबेस्ट इम्पीरियल स्टॉक जैगुआर XJ50 डीजल। अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नमन भाई फ्रॉम ऑटोबेस्ट इम्पीरियल। नमन कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। भाई ये देख के ना मतलब तबीयत खुश होगी, ऐसी चीज़ें तो चाहिए अपने को माई कंट्री मैरिट पर जो एक्सक्लूसिव हो। तो जैसे कि अभी आपने अपने व्यूअर्स को कहा, बिल्कुल अलग चीज़ है ये XJ50, डिफरेंट चीज़ होती है नॉर्मल XJL से। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम बात करेंगे गाड़ी की शेप की, जो बिल्कुल नई शेप है। इससे पहले ओल्ड शेप आती थी, दिस इज अ न्यू शेप। इसके आप लैम्प्स देख सकते हो, इसके आप लैम्प्स देख सकते हो, जे लैम्प्स है इसके, इनको हम जे लैम्प्स कहते हैं। जैगुआर LED टेक्नोलॉजी लैम्प्स होते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लुक होती है गाड़ी की। ड्राइव की तो हम बात ही अलग है, मतलब अगर आप इसको ड्राइव करोगे तो इट विल गिव अ नेक्स्ट लेवल फील, क्योंकि 3 liter इंजन होता है प्लस डीजल की पावर, तो इट्स माइंड ब्लोइंग टू ड्राइव दिस कार। एंड उसके साथ साथ गाड़ी की लुक्स की बात करें, बहुत अमेजिंग फीचर्स से इतनी लोडेड कि मतलब आप थक जाओगे फीचर गिनते गिनते, इतने फीचर हैं गाड़ी में। अब एक चीज़ यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं, ये XJL से ऊपर है या नीचे है? XJL से अगर बात करें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट स्टिल इट इज़ अबव नॉर्मल XJL, क्योंकि इसमें थोड़े से बहुत डिफरेंसेज है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। दिस इज XJ50। अब जो इसके अंदर जो LED टेक्नोलॉजी हेडलैम्प्स हैं वो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर अलॉय व्हील्स की बात करते हैं, और लंबाई देखो दोस्तों, ये है लॉन्ग व्हील बेस कार, बहुत लंबी है ये कार, अगर आप इन पर्सन देखोगे तो आपको पता लगेगा। अलॉय व्हील्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अलॉय व्हील्स के इसमें हमें डिफरेंस मिलता है। ये आप देख रहे हो जो शेप, ये XJ50 में ही मिलती है, XJL नॉर्मल जो आती है उसमें नहीं मिलेगी। जो ये फ्लावर शेप देख रहे हो अलॉय की, ये वाली इसी में मिलती है। प्लस इसके साथ साथ अगर हम चलते हुए बात करें लॉन्ग व्हील बेस, जैसे आपने कहा, तो ये वाली गाड़ी जो है ये कंपेयर करी जाएगी नॉर्मली BMW 7 सीरीज से, मर्सिडीज एस क्लास से, तो उनके कंपैरिजन में मैं अभी आपको जो फीचर्स वगैरह बताऊंगा तो आप बताना कि उनके साथ कंपेयर करी जा सकती है नहीं करी जा सकती। अब मुझे ना क्या चीज पता है बहुत ज्यादा पसंद है इसकी, ये जो शेप है ना, ये शेप बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही शार्प, बहुत ही एजी शेप है, और पीछे के टेल लैंप्स जो हैं वो शुरू से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। XJ50, ठीक है, ये है वेरिएंट जैगुआर। अब नमन, बूट ओपन करने के लिए अपने पास यहाँ पे एक डिफरेंट बटन दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे अलग से एक बटन गिवन है, इसको हमें बस प्रेस करना है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक। सेडान कार्स में बहुत कम होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिले, यूजुअली हमें SUVs में मिलता है, तो इसमें भी वी आर गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। अब इसको बंद करना है तो आपको सिर्फ यहाँ से वन क्लिक करना है, और ये सॉफ्ट क्लोज डोर है सारे इंक्लूडिंग द बूट। ये देख लीजिए, कट आवाज़ आ जाती है। एग्जॉस्ट देखेंगे तो 3 liter है, तो डेफिनेटली
ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप अपने को मिलना ही मिलना है 275/40R19, मतलब 275/40 जो उसकी विड्थ है प्लस 19 इंचेस का उसका अलॉय व्हील्स है, तो काफ़ी अच्छी ग्रिप रहती है इसकी जब ये सड़क पे चलती है, तो आपको ड्राइव इसलिए और ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो जो इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 105 और 106 mm। हम लोग ना जब भी गाड़ियों को लेके आते हैं लोकेशन पे, तो हम लोग ऐसे ऐसे पैच से आते हैं जहाँ पे लिटरली ऐसा वाला हिसाब किताब भी होता है, तो ये गाड़ी अगर वहाँ से भी निकल गई तो लिटरली ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। अब बात करते हैं इसके कम्फर्ट की। कहते हैं कि अल्ट्रा लग्जरी जैगुआर होती है XJL, तो देखते हैं कि XJ50 कितना अल्ट्रा लग्जरी हो सकती है। चलो जी बैठ गए, अब बैठे हैं इसके अंदर जैगवार के अंदर। सॉफ्ट क्लोज डोर हैं ये, देखिए आवाज़ आ गई आपको, बहुत अच्छा मैकेनिज्म की जो आवाज़ आती है ना, ये भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो जी वैगन में बहुत अच्छा लगता है कट कट की आवाज़, और एक इसमें बहुत अच्छा लगता है। नमन पीछे से मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि जो लग्जरी आप चाहते हैं वो इसके अंदर ना हो। बिल्कुल सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको स्क्रीन जैसे अगर आप नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप उसको बंद करके भी रख सकते हो। राइट, अगर अभी आपने यूज़ करनी है अगर, तो आपने नॉर्मली ओपन करी और ये ऑन हो जाएगी। काफ़ी वाइड स्क्रीन है, नॉर्मली हमें जो होती है स्क्रीन थोड़ी छोटी मिलती है, बट ये वाइडर स्क्रीन है। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे मिलती है ट्रे टेबल्स। ओ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो लिटरली वाकई ट्रे टेबल्स तो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या कोई कुछ भी आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, इट गिव्स यू प्रॉपर फील कि मतलब आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैनिटी मिरर्स दोनों साइड, रात को लाइट का तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली अपने को। तो इसके अंदर अगर हम 500 किलोमीटर भी पीछे बैठ रहेंगे, ड्राइवर चला रहा होगा, बिल्कुल तो हमें पूरे कंफर्ट के साथ बैठोगे। क्या क्या मिल जाता है? सबसे पहले बात करता हूँ कंफर्ट की, अगर बात आई है तो मसाजर्स की। आप देख सकते हो यहाँ पे बटन्स गिवन है हमें। राइट, ओहो मसाज शुरू होगी क्या? वाह यार, इसे तो मैं रिक्लाइन कर लेता हूँ फिर थोड़ा। ये देख लिया दोस्तों, मैं रिक्लाइन कर रहा हूँ। नहीं नहीं रिक्लाइन हो गया तो प्रॉपर रिक्लाइनर सीट्स बन जाती है। बहुत अच्छा। इसके साथ साथ जो आपका हेड कुशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो भी आप ऑपरेट कर सकते हो। अब ये अपने को कितनी सीट में मिल सकता है? चारों सीटों में मसाजर मिलता है। प्लस इसमें सबसे अच्छी क्या चीज़ है कि आप आगे से भी चारों मसाजर ऑपरेट कर सकते हो और पीछे से भी अपने मसाजर ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर हमें मिलता है कप होल्डर्स, इसके साथ साथ बेसिक आर्मरेस्ट स्पेस मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको पोर्ट्स मिलते हैं HDMI केबल के एंड USB पोर्ट्स मिलते हैं। राइट, इसके साथ साथ मैं यहाँ से अपनी आगे वाली सीट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके ओके, इजीली कंट्रोल हो सकती है। अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आपको आगे पूरा स्ट्रेच करना है, तो आप यहाँ से इसको बटन को प्रेस करके सीट एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं चाहिए इन केस, तो इसे हम ऐसे तो बंद कर सकते हैं। प्रॉपर एक बीच में स्पेस है एक बंदे का बैठने का, कि आप इजीली आप उसको ट्रैवल पे लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल, आगे जो डुअल है यहाँ पे डुअल अलग अलग देख सकते हो, प्रॉपरली गिवन है टेम्परेचर सेट करने के लिए, ऑटो के लिए, फैन के लिए, हर चीज के लिए। अब इसके अंदर अपने को दोस्तों मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स भी। मेरिडियन का साउंड, मेरिडियन सराउंड सिस्टम है, बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता है इसका जब आप ऑपरेट करते हो तो। इसके साथ साथ आप इसकी रूफ भी देखोगे ना, तो ये टोटली डिफरेंट लेदर है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा यहाँ पे। एक तो ये तो देखो लेदर है, और ये जो अल्केंटारा जो रूफ है, जो ये मटीरियल है, ये बहुत प्रीमियम है। लेकिन आज मैं पता क्या मिस कर रहा हूँ, एस क्लास में अपने को एडवांटेज मिलती है यहीं से इसको कंट्रोल करने की। If you know, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, इसमें वो चीज़ नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलते हैं। एस क्लास में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें नहीं मिलते, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एस क्लास में नहीं मिलते। एस क्लास इज अ प्रॉपर शॉफर्स ड्रिवन कार, मतलब वो आपका ड्राइवर चला रहा है, बट ये गाड़ी आप ऐसी है कि आप पीछे भी बैठ सकते हो, आगे खुद बैठ के चलाएं, हर चीज़ में आपको अलग मजा आएगा। लेकिन एस क्लास 3 लीटर इससे हार जाएगी चलाने में, शर्त लगा लो आप। एक बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम आपकी ड्राइव को 5 गुना बेटर बना देता है, या नहीं? बिल्कुल ठीक बात। जैसा कि इसके अंदर लगा हुआ है मेरिडियन का सराउंड सिस्टम। अब जरा 360 एक बार कैमरा देख लेते हैं। अभी 360 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप ये देखिए, अब गाड़ी की पूरी इमेज आपको दिखेगी इसके अंदर। बाहर हमारी बात हुई थी XJ50 की, तो एक डिफरेंस तो हमने आपको काउंट कराया था अलॉय व्हील्स का, कि दूसरा डिफरेंस देख रहे हो वो है इंटीरियर्स का। आप जो सीट्स देख रहे हो, नॉर्मली हमें जो जैगुआर XJ में मिलती है वो आपको मिलती है ब्राउन, या फिर आपको मिलता है बेज, जो कि थोड़ा अलग शेड होता है, और पोर्टफोलियो में आपको डिफरेंट इंटीरियर मिलता है जो कि होता है टैन। एंड इस वाली में जो मिल रहा है ये आइवरी व्हाइट होता है। ओके, मतलब ये व्हाइटेस्ट टोन है, ये बेज नहीं कहेंगे इसको, दिस इज द व्हाइटेस्ट टोन जो कि मिलता ही XJ50 में है और दूसरी गाड़ी में नहीं आता।
ठीक है. सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस. बात करें अब आगे जो चलते हुए, इसमें हमें वुडन ट्रिम्स का डिफरेंस मिलता है. इसके साथ साथ नॉर्मल एक्सेल में भी हमें ये मिलता है, बट एक्सए 50 में आपको हर जगह एक्सए 50 की बैजिंग मिलेगी. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आर्मरेस्ट में भी इवन एक्सए 50 की बैजिंग है. आगे जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो एक्सए 50 जैगुआर कन्वेंट्री ये बैजिंग है. स्कफ प्लेट्स पे इसकी एक्सए 50 की बैजिंग है. मतलब ओवरऑल आपको एक्सए 50 की प्रॉपर बैजिंग मिलती है. ये नहीं है कि सिर्फ किट है या कुछ है, प्रॉपर आपको बैजिंग के साथ मिलती है. यहाँ पर आपको मिल रहा है डिजिटल ओडोमीटर, जिसमें आपको नेविगेशन भी मिलेगा, कॉकपिट नेविगेशन जिसको हम कहते हैं. इसके साथ साथ आपका स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक. एंड यहाँ पर आप देखोगे बीच में काफी एक अच्छा ह्यूज आर्मरेस्ट स्पेस दिया हुआ है, जो कि सेंटर कंसोल है हमारा. काफी एक अच्छा स्पेस दिया हुआ है अगर आप नॉर्मली भी रखना चाहो. आपको जैसे पता है जैगुआर और लैंड रोवर रेंज रोवर्स की ना जो बिल्ड क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत स्मूथ होती है. तो इसकी वजह से डोर्स काफी ज्यादा हैवी और अच्छे हैं. क्वालिटी की अगर बात करें डैशबोर्ड की, या फिर अगर हम साइड की क्वालिटी की बात करें, इंटीरियर्स की बात करें, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है इसकी, जो कि एक काफी अच्छा फील देती है गाड़ियां बैठने की. अब आपने ना वैसे बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन जैगुआर ही इकलौती ऐसी गाड़ी है जो मुझे दिखता है जो इस तरीके से आपको बना के देती है कॉकपिट के. हाँ, मतलब जब डोर बंद करते हो तो आपको पूरा ऐसे राउंड दिखता है. ये काफी अच्छा लगता है, काफी यूनिक लगता है. एसी ब्लोअर भी इसके काफी ज्यादा यूनिक होते हैं. जैसे मर्सिडीज के यूनिक होते हैं, वैसे जैगुआर के एक्सएल के भी या एक्सजे 50 के भी डिफरेंट होते हैं. अब इसको यहां पर मिलती है पूरी इसकी टच स्क्रीन, या नॉर्मली इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपका आ जाता है नेविगेशन. इसके साथ साथ इसमें ऑटो पार्किंग का भी फीचर मिलता है, जिसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो. यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो. अब आप कह रहे थे कि चारों सीटों में मसाज है, बिल्कुल. कैसे दिखेगी वो? तो यहाँ से हम आपको ऑन करके दिखा देते हैं. पहले आप ही ऑन कर देते हैं. ओहो, मैं सो ना जाऊँ चलते चलते. इसमें भी ऑप्शंस मिलते हैं, वेव, अप, डाउन, शोल्डर, लंबर. तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं. मैं आपका वेव करता हूँ जिससे आपको फुल बॉडी मसाज मिलेगा. ये दोनों सीट्स कौन, ये पीछे वाली सीट्स में भी आप ऑन कर सकते हैं. अच्छा, यहीं से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं. चारों सीट्स का ऑन हो गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे से ही आप सारी सीट्स का ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर है. सिर्फ और सिर्फ 21,000 किलोमीटर. बिल्कुल. और 21,000 किलोमीटर क्या होता है ये तो फिर बताने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार. बाकी डिटेल जो आपको भी उतर के बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा मॉडल के अकॉर्डिंग कितनी गाड़ी चली है. कम इसमें ऐसे नीचे किया और ये स्पोर्ट्स पे आ गई. अब स्पोर्ट्स पे देखते हैं 3 लीटर कैसे भागता है. 1, 2, 3 को ज्यादा नहीं, मतलब एक अच्छा सा थंब लेके देखेंगे. जैसे अगर 60-70 रुपये ले आके देखते हैं इसे, वो तेरा भला हो. ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो BM है. ओए, अरे अरे, आपको बोलो ये क्रॉस कर चुका. नहीं 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 नहीं, तो ये गलत है भाई, ये तो बहुत गलत चीज़ है. अरे ये तो कुछ भी नहीं किया मैंने. तो यही इसलिए बोला कि आप नॉर्मली अगर इस गाड़ी को देखोगे, ये देखना शॉपर्स ड्रिवन तो है ही, जिसमें आप पीछे बैठ के. यार ये क्या हो रहा है? उसके साथ साथ सेल्फ ड्रिवन गाड़ी भी है भाई साहब. मान गए भाई इस गाड़ी को. भाई मैंने ना BMW का थंब तो देखा था, आज फिर जैगुआर का भी देख लिया. तो अब ज़रा पैसे देख लेते हैं कि क्या पैसे हैं इसके. भाई भाई मज़ेदार BM चला चला के ये BMW लवर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कहीं ऑफेंड ना हो जाए. लेकिन जैगुआर आज ये वाली चला के ना 3 लीटर XJ50 मज़ा आ गया. तबाही वाली ड्राइव है. मुझे भी पसंद है इसकी ड्राइव. हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है. अल्ट्रा कम्फर्ट के साथ पावर भी इसमें माइंड ब्लोइंग है. अब बात करते हैं कि क्या कीमत हो सकती है इस कार की, क्योंकि ये एक प्री ओन्ड कार है. क्या जो नए व्यूवर्स हैं उनको लग रहा है ये नई कार है? नहीं दोस्तों, कंडीशन नहीं है, लेकिन है सेकेंड हैंड. आपको मिलेगी नई से बहुत कम प्राइस में. बिल्कुल, बताइए जी. तो इस गाड़ी की बात करें, ये है जैगुआर XJ 50, जो कि डिफरेंट होती है XJL से, जो कि नॉर्मल XJL होती है. डिफरेंसेस हमने आपको बताया इसमें क्या क्या मिलते हैं. इसके साथ साथ बात करें मॉडल की, तो दिस इज़ 2018 मैन्युफैक्चरिंग एंड 19 रजिस्टर्ड कार. गाड़ी में अभी सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं कहेंगे, अभी गाड़ी अंडर वारंटी भी है. मतलब अभी इसकी वारंटी भी वैलिड है एंड इंश्योरेंस भी वैलिड है, दोनों ही अभी इसमें वैलिड है एंड आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. तो बात करें गाड़ी की डील की, वी आर आस्किंग 72,75,000 ओनली फॉर द कार. एंड अगर आपको डील क्रैक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर गाड़ी की सारी डिटेल देख सकते हैं. आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 8885888886. ये 2018 मैनुफैक्चरिंग, 19 रजिस्टर्ड, अंडर वारंटी वाली कार. बिल्कुल, पैसा नहीं लगाना एक. एंड दिस वारंटी कैन बी एक्सटेंडेड. और इंश्योरेंस भी इनके होते हैं मोटे, तो इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर. और एक बात, 72 लाख इज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि XJLE एटलीस्ट 1 CR तो टाप ही जाती है. अब मैं आपसे पूछूंगा, ये गाड़ी कंपेयर होती है 7 सीरीज़ और S क्लास से? नहीं, नहीं. क्या कहना चाहोगे?
अब वो जो पीछे वाला बटन नहीं मिला था ना मुझे कटने वाला, वो इग्नोर कर दूंगा। ये पावर अल्टीमेट है, एस क्लास नहीं भाग सकती है। तो अगर आपको गाड़ी चलानी है खुद से, मतलब अगर आपको चाहिए सेल्फ ड्रिवन कार या आप चाहते हैं फैमिली कार, कोई भी कार हो, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। हम गाड़ियाँ खरीदते भी हैं क्या? हमें किसी और अच्छे कस्टमर्स ने ये गाड़ी बेची है, तभी तो हम आगे बेच पा रहे हैं। इफ़ एनीवन वांट्स टू सेल देयर कार तो भैया आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो, ये आपको अच्छी वैल्यू देंगे गाड़ी की। आप गाड़ी का कोई भी नंबर ले सकते हैं वैसे? बिल्कुल ले सकते हैं, हम पैन इंडिया वर्क करते हैं। इमीडिएट प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ में डिले नहीं होती है, इमीडिएट वैल्यूएशन होती है, डोर स्टेप सर्विस होती है वैल्यूएशन के लिए, एक एक चीज़ परफेक्ट होती है एंड किसी भी चीज़ में डिले नहीं होगा। नो डिले इन पेमेंट्स, नो डिले इन वैल्यूएशन, नो डिले इन पेपर वर्क किसी भी चीज़ में। तो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी बेचें और ऑटो बेस्ट पे आएँ और गाड़ी बेस्ट प्राइस ही लेके जाएँ, सही बात तो ये है। और अगर बेस्ट प्राइस नहीं लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं ऐसी माइंड ब्लोइंग डील्स, क्योंकि इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी होती हैं। अराउंड 50-60 गाड़ियाँ लाइव चल रही होती हैं, जिसमें जो पॉकेट साइज़ है अभी का 25-26 लाख से अभी स्टार्टिंग है। और जहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ आ रहा है, फरारी वरारी तक बातचीत हो रही है। अब कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर जाना, और कमेंट करके जाना अपनी फेवरेट कार जो आप चाहते हो खरीदना। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए आप देखते रहिए माय कंट्री मैरिट। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।